ரங்க தே ரங்க. ਹੈਲੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸਦੀਪ, ਸੋਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੇਥੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੂੰ। ਆਜ ਹਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮਟਰ ਮਲਾਈ ਮੇਥੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਥੀ ਮਟਰ ਮਲਾਈ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਤੇ ਹੋ। ਤੋ ਉਸਕੋ ਬਣਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਮੈਨੇ ਮੇਥੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਾਲੀ ਗੁੱਛੀ ਪੂਰੀ ਕਾਟ ਲਈ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਟਰ ਹੈ, ਫਰੋਜ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਤੇ ਹੋ। ਤੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਯੇ ਗਾਜਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਾਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੇ ਵੀ ਡਾਲੂੰਗੀ ਇਸਮੇ। ਤੋ ਤੜਕਾ ਬਣਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮੇ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਾਟਾ ਹੂਆ ਹੈ, ਔਰ ਯੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਔਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਚੌਪ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਚੌਪ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੂਖੇ ਮਸਾਲੇ, ਯੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੈ ਔਰ ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਹਮ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਡਾਲੇਂਗੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਮੇ ਹਮ ਜਬ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੋ ਮਲਾਈ, ਔਰ ਯੇ ਇੱਕ ਪਨੀਰ ਕਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਟ ਕੇ ਮਿਕਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਪਹਿਲੇ ਪੀਸ ਲੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਇਸੀ ਮੈਂ ਮਲਾਈ ਫੈਂਟੇਂਗੇ। ਮਟਰ ਹਮ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੇ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲੇਂਗੇ, ਮਟਰ ਔਰ ਗਾਜਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਡਾਲ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੇ ਉਬਲਤੇ ਪਾਣੀ ਸੇ ਨਿਕਾਲੇਂਗੇ ਗਰਮ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਯੇ ਪੀਲੀ ਸਰਸੋਂ ਕਾ ਆਇਲ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਡਾਲ ਕਰ ਮੇਥੀ ਕੋ ਮੈਂ ਭੁੰਨੂੰਗੀ ਅਲੱਗ। मेथी को हम थोड़ी देर सिम पे भुनने देते हैं, इसका पानी सूख जाएगा। मटर को उबाल आ गया है तो बस अब इसको मैं बंद करके छान रही हूँ और थोड़ा सा ठंडा पानी ऊपर से डाल दूँ। जो कपड़ा आपने लिए है इसको पंजाबी में क्या कहते हैं? पोना। पोना। क्योंकि वो खटखट कर रही है ना गैस से, पतीला खटखट कर रहा है, हांडी हांडी में बन रही है मटर मलाई मेथी। इधर हमारी मेथी भुन रही है सिम पे, तो प्याज को थोड़ा सा अच्छी तरह भून के फिर हम अदरक लहसुन डालेंगे, और ये मेरे पास मैंने टमाटर अदरक लहसुन का मसाला मैं तैयार करके रखती हूँ। ये कम से कम दो बड़े टमाटर और थोड़ा सा अदरक लहसुन और हरी मिर्च है इसमें, ये मैं ऐसे ही डाल दूँगी। इतने प्याज भुनने के बाद हम इसमें ये अब अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो चॉप किया हुआ है वो डाल रहे हैं, तो उसमें भी है जो मेरा मसाला बना हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ इसमें। अब ये जो मेरा मसाला तैयार है टमाटर और अदरक लहसुन वाला, वो डाल रही हूँ। गैस कर देते हैं सिम पे। तो ये वाला मसाला तो भुना ही हुआ था, तो अब मैं और सूखे मसाले डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, और इसमें हल्दी तो डालनी नहीं है, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये लाल मिर्च और कश्मीरी मिर्च मिक्स करके रखी हुई है मैंने। ज़्यादा नहीं होगी लाल मिर्च, हरी मिर्चें भी डाली हैं? नहीं ज़्यादा नहीं, अच्छा स्पाइसी अच्छा लगता है, क्योंकि मलाई डलेगी ना जी। और नमक स्वाद अनुसार। तो अब मैं इसमें मटर ये और ये गाजर डाल रही हूँ, थोड़ी देर इसको बनने के लिए छोड़ेंगे, पर दो तीन मिनट बनने देते हैं इसको सिम पे। और उधर हमारी मेथी भी भुन गई है, तो इसको बनने के बाद फिर इसमें मेथी डलेगी। मेथी हो गई है, अगर आप इकट्ठी भूनती हो तो ये बिल्कुल ऐसे टूट टूट सी जाती है, इकट्ठी सी हो जाती है, वो नहीं अच्छी लगती, ये ऐसे क्रिस्पी सी रहेगी अलग आप भून के डालते हो तो। तो मटर हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं मसाले में, तो इस स्टेज पे हम मेथी डाल देंगे इसमें। कलर कितना अच्छा लग रहा है।
लच्छा पराठा बना रही हूँ, लच्छा पराठा के साथ खाएंगे। तैयार है पराठा खाने के लिए। मटर और मेथी बन के तैयार है। अब हम इस स्टेज पे इसमें मलाई डालेंगे। तो गैस सिम पे अभी ये मैंने जो एक टुकड़ा पनीर का थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में मिक्स किया, पहले वो डाल रही हूँ मैं। इससे बिल्कुल गाढ़ी एकदम अच्छी लगती है, मलाई भी इसमें अच्छी लगेगी, टेस्ट भी अलग हो जाएगा इसका। थोड़ी सी मलाई फेंट के डाल दें। बस एक दो मिनट के लिए हम इसको और रखेंगे। ये हमारी खाने के लिए तैयार है। हम मटर मलाई मेथी एम की पावर 3। तो इसको अभी बस 1 से 2 मिनट के लिए ढक रही हूँ। हमारी मटर मलाई मेथी तैयार है खाने के लिए और मैंने साथ में लच्छा पराठा बनाया है। आप बनाओ, हमें कमेंट करके बताओ आपकी मटर मलाई मेथी कैसे बनी है, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करो प्लीज़। थैंक यू, और एंजॉय करो रोटी के साथ, पराठे के साथ, लच्छे पराठे के साथ। बहुत ही मज़ेदार बनी। कंग दे रंग।